एपल ने अचानक से नया पब्लिक स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया iOS आयो एस डॉट फोर डॉट वन का आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ नया है अपडेट का साइज चार सौ छे एम का मिलेगा अगर आप सेवन डॉट फोर से अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने के बाद आयो वर्जन सेवन डॉट फोर डॉट वन हो जाएगा बिल्ड नंबर ट्वेंटी वन ई टू थर्टी सिक्स हो जाएगा लेकिन यहाँ पे कोई भी नया मुडेम फोनवेर आपको देखने नहीं मिलेगा अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक बड़ी आ गई मेरे फोन में यहाँ पे सिक्स फिफ्टी जीबी का अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट करने से पहले जो की अपडेट के बाद अस्सी जीबी घट के फाइव सेवेंटी जीबी हो गया आईफोन स्टोरेज में भी चेक करने पे सिस्टम डेटा जो है कुछ एक्सेसिव नहीं दिखा रहा है तो ये स्टोरेज गई तो गई कहा बाकी इस अपडेट के अंदर दोस्तों कुछ भी चीज आपको नई देखने नहीं मिलेगी एक भी जो है नया फीचर नहीं मिलेगा और इस अपडेट की जो रिलीज नोट है उसके अंदर भी ने कोई डिटेल नहीं दिया है डिटेल्स कमिंग सून लिखा हुआ है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी अपडेट और इंपॉर्टेंट बग फिक्स ही ने पुष्ट किया और कुछ नहीं इस अपडेट को करने की वजह से मेरी बैटरी हेल्थ बिल्कुल भी गिरी नहीं हंड्रेड परसेंट थी आज भी हंड्रेड परसेंट है तो दोस्तों इस अपडेट के अंदर कुछ भी नया नहीं है बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी अवेलेबल फ्री स्पेस इस अपडेट की वजह से घट सकती है काफी ज्यादा इस अपडेट की फुल वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं